Bye. <laughs> वेलकम टू माय चैनल कैसे हो आप सब आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वेडिंग हैक्स ली है अगर आपकी शादी होने वाली है या फिर शादियों के सीजन में बहुत सारे कार्ड आ गए हैं आपके पास शादी में जाना है तो ये सारे हैक्स आप ट्राई कर सकते हो बड़े ही कमाल के होने वाले हैं सबसे चीज आपके पास भी कोई ना कोई ऐसी लिपस्टिक जरूर होगी जो खरीदते वक्त तो बड़ी अच्छी लगती है हाथ पे जब हम टेस्ट करते हैं ना लगता है वाह भाई मजा ही आ जाएगा इसे होटो पे लगा के बट होटो पे ये बहुत ही बेकार लगती है ऐसी कोई लिपस्टिक अगर आपके पास भी है और आप उसे फेंक भी नहीं रहो ये सोच के कि हो सकता है कभी यूज कर लू मैं तो वो दिन आज ही है आज मैं आपको इसकी ट्रिक सिखाने वाली हूं सबसे आसान तरीका होता है अगर आपकी कोई ऐसी लिपस्टिक है जो आपको आपके होठों पे समझ में नहीं आ रही है तो उसे मिक्स कीजिए दूसरी लिपस्टिक के साथ जैसे मेरी ये एक लिपस्टिक है बिल्कुल न्यूट शेड है ये हाथों पे लगाया था मैंने जब एमेजोन पे देखा था हाथों पे भी सही लग रहा है अमेजोन पे भी सही लग रहा है बट थोपड़े पे सही नहीं लग रहा तो अब क्या कर सकती हूँ मैं मैं एक दूसरी लिपस्टिक के साथ इसे मिक्स कर लूंगी मतलब आउटलाइन कर लूँगी दूसरी लिपस्टिक से और फिर इसे फिल कर लूंगी तो यहाँ पर मेरे दो लिपस्टिक के शेड हो जाएंगे मिक्स और एक बहुत ही प्यारा सा शेड बन जाएगा देखो ये जो लिपस्टिक है ये भी मैं नहीं लगाती क्योंकि ये बहुत ज्यादा डार्क है ये वाली लिपस्टिक मैं इसलिए नहीं लगाती क्योंकि ये बहुत ज्यादा लाइट होने वाली है बिल्कुल दिखती नहीं है तो मैंने बना लिया एक मिक्स कलर जितना जितना आप मिक्स करोगे मतलब अगर ज्यादा डार्क चाहिए तो डार्क वाले को ज्यादा मिक्स कर लो हल्का शेड चाहिए तो इसे मिक्स कर लो तो आप नया शेड बना सकते हो सेम चीज आप ये कमाल काजल के साथ भी कर सकते हो मतलब लिपस्टिक लगा लीजिए उसमें काजल के डॉट लगा लीजिए और फिर मिक्स कर लीजिए करके आपका एक नया शेड बन जाएगा डार्क वाला अगर आपकी कोई लिपस्टिक है जैसे कि ये वाली मेरी लिपस्टिक है बहुत ज्यादा डार्क है तो मैं क्या कर सकती हूँ मैं वाइट काजल को भी यूज़ कर सकती हूँ और अपनी लिपस्टिक को जो बिल्कुल कूड़े में जाने के लिए तैयार थी उसे यूज़ कर सकती हूँ तो ये बहुत ही सही तरीका है मतलब मिक्स कर लो या फिर डार्क कलर का आउटलाइनर यूज कर लो अगर आपकी ऐसी कोई लिपस्टिक है या फिर आप काजल का भी यूज कर सकते हो ब्लैक काजल व्हाइट काजल दोनों को ही आप ट्राई करके देखो बड़े मस्त काम करते हैं तो आपकी कोई भी लिपस्टिक बर्बाद नहीं होने देगी नीवा दूसरी बात जो आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए वेडिंग सीजन में वो है कि ज्वेलरी जी हाँ देखो ज्वेलरी हमारे पास बहुत सारी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है बट दो टाइप की ज्वेलरी आपके पास जरूर होनी चाहिए वो है ये पहली तो है मल्टी कलर जब कुछ समझ में ना आया भाई मल्टी कलर पहन लो अब मैं इसे इस सूट के साथ पहनूंगी तो अच्छा लगेगा किसी साड़ी के साथ भी पहनूंगी तो अच्छा लगेगा क्योंकि ये मल्टी कलर है इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कलर की तो आपके पास एक मल्टी कलर ज्वेलरी जरूर होनी चाहिए और दूसरी आपके पास होनी चाहिए इस तरीके की ज्वेलरी जिसमें किसी भी कलर को इम्पॉर्टेंस ही नहीं दी गई भाई बिल्कुल वाइट कलर की होने वाली है इसमें स्टोन वर्क होता है और गोल्डन कलर का बेस है अब मैं इसे भी इस सूट के साथ पहन लूंगी तो अच्छा लगेगा तो ये दो टाइप की जो ज्वेलरी होती है ना ये बिल्कुल सेफ साइड रहने के लिए परफेक्ट होती है आप स्टोन ज्वेलरी पे इन्वेस्ट करो गोल्डन बेस की नाइन्टी परसेंट जो हमारी ड्रेसेस होती हैं सूट्स होते हैं लहंगा होते हैं साड़ी होता है उसमें गोल्डन वर्क ही होता है तो आप गोल्डन बेस की कोई भी स्टोन वर्क वाली ज्वेलरी पे इन्वेस्ट कर सकते हो या फिर भई मल्टी कलर ज्वेलरी खरीद लो ये आपकी हर ड्रेस के साथ हर सूट के साथ हर साड़ी के साथ चल जाएगी क्योंकि भाई देखो वेडिंग सीजन है अब बहुत सारी शादियों में अगर आपको नहीं जाना है तो क्यों हर साड़ी की मैचिंग की ज्वेलरी खरीदनी है पैसा लगाना है बस दो तो टाइप की ज्वेलरी खरीद लो और आपका काम हो जाएगा तीसरी चीज जिसपे आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए वो है ये देखो भाई हर शादी में जाने से पहले मैं ना तो अपने बालों को कलर कर सकती हूँ ना इतनी बार मैं मेहंदी लगा सकती हूँ क्योंकि मौसम हो गया है ठंडा अब एक घंटे जाना है क्या ही कलर करूँ तो आप इसे यूज करो सडनली क्या होता है ना कई बारी मेरे को भी शाम को पता चलता है कि एक घंटे बाद या दो घंटे बाद शादी में जाना है अब उस टाइम पे मैं हेयर कलर करने तो बैठूंगी नहीं और मैं थोड़ा सा अवॉइड भी करती हूँ हेयर कलर करना मैं मेहंदी को थोड़ा ज़्यादा प्रेफरेंस देती हूँ बट तो उसमें टाइम बहुत लगता है तो इंस्टेंटली अगर आपको सिर्फ रूट टचअप करना है तो आप इसे यूज़ करो ये लॉरियाल का मैजिक रीट टच मतलब जैसे मेरे हैं ना यहाँ से वाइट बाल दिखते हैं तो मैं स्पेशली इसे इस तरीके से रख कर लेती हूँ और ये बिल्कुल कवर अप हो जाते हैं बट हाँ अगले दिन मैं हेयर वॉश कर लेती हूँ तो वो कलर जो था वो निकल भी जाता है तो ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है बट इंस्टेंट सोल्यूशन जरूर है तो आप इसे ट्राई कर सकते हो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा सही लगता है प्रोडक्ट शादियों के सीजन में भारी भरकम ज्वेलरी पहनने का शौक तो हम सबको हो जाता है मेरे पास भी कई नेकलेसेज ऐसे जो देखने में भी भारी हैं और पहनने में भी भारी हैं तो मैंने क्या कर रखा है मैंने इनकी जो डोरियाँ हैं ना इन्हें डबल डोरी वाला ले रखा है इससे क्या होता है इससे ये मेरी गर्दन पर चुभते नहीं हैं अदरवाइज अगर मैं सिंगल डोरी लगा लूँगी ना इसमें तो मैं जब पहनूँगी तो इसके वजन से ये डोरी चुभने लग जाती है तो आप भी इस बात का ध्यान रखिए कि अगर आपके पास कोई हैवी हैवी नेकलेसेस है ना तो आप उसकी डोरी डबल वाला लीजिए डोरी ईजिली अवेलेबल होती है जैसे कि मेरे तो घर के पास जो भी सुनार की दुकान है उनके बाहर जो लोग बैठे होते हैं ना मोती का, का काम कर रहे होते हैं उनके पास ये ईजिली मिल जाती है नहीं तो आप अमेजोन से ले सकते हो बिलीव मी एक मंगवा के ट्राई करके देखना बहुत ही फर्क आपको दिखेगा ये कैसी होती है इस तरीके की होती है हुक वाली वैसे तो ये तो इस तरीके की है ये मैंने जाके लगवाई थी बट ये हुक वाली भी मिल जाती है तो ईजिली आप एमेजोन से मंगवा सकते हो और लगा सकते हो इससे आपकी गर्दन पे ना तो कटेगा और ना ही आपको बहुत ज़्यादा हैवी फील होगा अदरवाइज़ क्या होता है ज़्यादा हैवी नेकलेस पहन लो आप और सिंगल डोरी का हो डांस वांस करो तो टूट भी जाते हैं यहाँ से खुल भी जाते हैं क्योंकि वजन बहुत ज़्यादा होता है तो अगर आप ऐसा नहीं चाहते हो तो आप डेफिनेटली डबल डोरी पर इन्वेस्ट करो एक चीज और जो मैं आपको एडवाइस करूंगी आजकल इस तरीके की नेकलेसेस बहुत ज्यादा फैशन में है इनके साथ प्रॉब्लम क्या होती है इनके साथ जो आपको चेन लगी हुई मिलती है ना अब क्योंकि मेरा गला बहुत ज्यादा मोटा नहीं है तो मैं जब भी, भी ये चेन के साथ पहनती हूँ तो ये बहुत ज्यादा नीचे हो जाता है अब मुझे चाहिए कि भाई मेरा नेकलेस बिल्कुल फिट आए तो मैं क्या करती हूँ मैं चेन रिमूव करके डोरी लगा लेती हूँ अगर आप अच्छे ब्रांड का खरीदोगे तो डोरी खुद भेजते हैं अदरवाइज आप इसे भी चेंज कर सकते हो हाँ इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर सिल्वर बेस की ज्वेलरी है तो सिल्वर वाली डोरी लगाइए तो गोल्डन वाली लगा लेंगे तो अजीब सी लुक आएगी बट हाँ डोरी लगाने की वजह से क्या होता है ना इसकी फिटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी आती है अदरवाइज अगर आप इसे चेन के साथ ही पहनोगे तो इसकी लुक थोड़ी सी ऐसी आएगी जो कि बहुत ही ज़्यादा ख़राब लगेगी तो इसमें भी आप डोरी लगा के पहनिए और डिफरेंस आप खुद देख सकते हो तो इस तरीके की ज्वेलरी अगर आप पहनने की सोच रहे हो तो डोरी लगा के ट्राई ज़रूर करना विंटर्स की शादियां हो और भाई हम मेकअप ना करें ऐसा तो होगा नहीं अब क्या होता ना शादियों के सीज़न में वो भी सर्दियों की शादी में अगर मैं पाउडर ब्लश को यूज़ करती हूँ ना मेरा फेस और ज़्यादा ड्राई लगता है तो मैं यूज़ करती हूँ क्रीम ब्लश को यार इससे ना आपके फेस पे एक अलग ही ग्लो दिखता है मैं आपको दिखाती हूँ ये जो मैं दिखा रही हूँ आपको ये है अर्थ रिदम ब्रांड का अब इसमें शेड कौन सा है यहाँ पर तो मैंशन नहीं है इसका जो शेड है ना ये बहुत ही ज़्यादा बेबी पिंक होने वाला है अब अगर आपके पास ये नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मैं आपको इसका भी जुगाड़ बता देती हूँ ये आप देखेंगे इसका शेड बहुत ही प्यारा है और बहुत ही नेचुरल सा ग्लो देता है अगर आपके पास ये नहीं है तो आप क्या कर सकते हो आपके पास जो भी टिंटेड लिप बाम है जी हाँ ये लिप बाम है स्विज ब्यूटी ब्रांड की आप बिलीव नहीं करोगे मैंने इसे अभी तक शायद एक या दो बार ही लिप्स पर लगाया है मैं इसे अपने चीक्स पर अप्लाई करती हूँ मैं आपको दिखाती हूँ टिंटेड लिप बाम ये आप देखिए इसका शेड इससे भी जब आप अपने गालों पे अप्लाई करते हो ना यार ये क्या मस्त लुक देते हैं बहुत मज़ेदार और इसका कंसिस्टेंसी और इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल बराबर है जो लिक्विड ये जो होते हैं ना ब्लश ये काफ़ी प्रिटी कंसिस्टेंसी के होते हैं और जो ये टिंटेड लिप बाम्स होते हैं ना ये भी आप देखोगे दोनों में ही मस्त वाली शाइन आ रही है तो अगर आपको जो पाउडर ब्लश होते हैं उसे लगाने के बाद आपका फेस बहुत ज्यादा ड्राई लगता है या फिर आपको लगता है कि यार पता चल रहा है कि मैंने कुछ लगाया है आप चाहते हो कि ना पता चले और ग्लो भी आए तो यार आप इस तरीके से या तो लिक्विड ब्लश पे इन्वेस्ट कर लो या फिर टिंटेड लिप बाम पर इन्वेस्ट कर लो लिप बाम की लिप बाम और ब्लश का ब्लश दोनों काम हो जाएंगे मैंने तो दो चार शेड और मंगवा लिए हैं इसके क्योंकि इसकी कंसिस्टेंसी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी और शाइन आप देख सकते हो दोनों की गजब की शाइन है डेफिनेटली आप ये हैक ट्राई कर सकते हो वेडिंग हैक्स की अगर मैं बात कर रही हूँ तो एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहती हूँ देखो ये शादियों का सीजन है हर साड़ी के मैचिंग का तो पर्स मैं खरीदूंगी नहीं तो मेरे पास है भाई गोल्डन कलर के बहुत सारे पर्स जी हाँ देखो हर मैचिंग की ड्रेस तो मैं नहीं बना सकती हूँ कि पर्स भी मैचिंग का कर लूँ तो इस तरीके से आप गोल्डन कलर के बैग्स पर इन्वेस्ट कर सकते हो ये थोड़े से क्लासी भी लगते हैं और हर ड्रेस के साथ मैच भी हो जाते हैं तो कई तरीके गोल्डन बैग्स मेरे पास भी हैं डेफिनेटली आप सेफ साइड रहने के लिए बहुत सारे बैग्स पे अगर इन्वेस्ट नहीं करना चाहते तो एक दो गोल्डन कलर के क्लचेज ले लो सस्ते भी मिलते हैं महंगे भी मिलते हैं आजकल तो काफ़ी स्टाइलिश मिल जाते हैं आपको अमेजोन पर तो डेफिनेटली आप सेफ साइड रहने के लिए गोल्डन और सिल्वर एक एक या दो दो तो मंगवा रख ही लो ताकि आपकी हर ड्रेस के साथ मैचिंग हो जाए तो ये थे कुछ सिंपल से बट बड़े ही काम के वेडिंग हैक्स अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो डेफिनेटली ट्राई करना इसका पार्ट टू देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताना मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में वीडियो पसंद आया है तो लाइक करके जरूर से जाना चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके जाना बाय